हमने देखा कि किसी चालक तार को प्रभावित करने वाले चार कारक हैं। अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हुए चालक तारों का प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। यदि हम चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। L प्रोपोर्शनल टू R, L क्या लंबाई, R क्या प्रतिरोध। तीसरी चीज है कि चौड़ाई बढ़ाने पर, यदि हम चौड़ाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। यदि हम चौड़ाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू 1/R या ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ए बढ़ाओगे आर कम होगा, सीधी सी बात। उसके बाद चौथी बात देखी तापमान बढ़ाने पर। तो तापमान बढ़ाने पर हमने बात करी कि तापमान यदि नॉर्मली क्या होता है, तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तापमान कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम हो जाता है। लेकिन बुक ऐसा बोलने से बचती है। बुक बोलती है कि यदि हम तापमान में परिवर्तन करते हैं, तो प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाता है। ये बात बोलती है वो, प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाता है। इसके पीछे एक रीजन जो है वो प्रतिरोध परिवर्तित है ना, एक शब्द में, एक लाइन में ऐसा बोलती है, अगर हम तापमान में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाता है। इसके हिंदी ऐसे लिखते हैं। और ये इसके पीछे छुपा हुआ रीजन है, सुपर कंडक्टिविटी, जिसको हम अति चालकता भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये चीज देखी गई कि जहां पर ठंडे इलाके हैं, जहां पर टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, टेम्परेचर -20 -30 पहुंच जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, वहां पर देखा गया जब किसी खंबे से, मतलब खंबों से जब बिजली जो है वो ट्रांसमिट की जा रही है, अलग अलग खंबों से बिजली जो है वो ट्रांसमिट की जा रही है, जब ये तार लगे रहते हैं ना खंबों पे ऐसे, एक दो, वहां पर ऐसा देखा गया कि जब ठंडे इलाकों में जब ये बिजली तारों के माध्यम से ट्रांसमिट की जा रही है, तो वहां टेम्परेचर कम होने के कारण से इनका रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो गया। मतलब रेजिस्टेंस रहा ही नहीं, प्रतिरोध रहा ही नहीं। अजीब बात हो गई है ना। जबकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि कोई चीज है, यदि कोई पदार्थ है, उसका प्रतिरोध होगा ही, हमेशा ही होगा, है ना। और लेकिन ये चीज प्रैक्टिकल देखी गई, जहां पर बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं, बर्फ जमी रहती है, -20 30 डिग्री सेल्सियस की बर्फ जमी रहती है, वहां पर देखा गया जो तार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे ना, वो जो है यदि यहाँ से 5 एम्पियर करंट भेज रहे हैं, तो यहाँ पर भी 5 एम्पियर करंट मिल जा रहा है। मतलब बीच में कोई हीट लॉस हो ही नहीं रहा है, प्रतिरोध है ही नहीं, कोई विरोध कर ही नहीं रहा है करंट का, इस टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से ठंडे ही इलाकों में ऐसा होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी मतलब कि जो मटेरियल है वो सुपर हो गया अपने आप में, उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लगभग लगभग जीरो। देखो आइडियली जीरो बोल सकते हैं हम, रियलिटी में तो नहीं होता है, लेकिन लगभग जीरो हो जाता है, ये बोलना सही रहेगा, है ना। लगभग जीरो हो जाता है कब, ठंडे इलाकों में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो जाता है। लगभग जीरो हो जाएगा तो जितना हम यहाँ से विद्युत भेजते हैं, करंट भेजते हैं, उतना ही दूसरे सिरे पे मिल जाता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रेजिस्टेंस होने के कारण से 5 एम्पियर नहीं मिलता हमको, 5 एम्पियर से कम मिलता है। कितना मिलता है, 4 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 3.5 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। किसके कारण से, रेजिस्टेंस के कारण से। रेजिस्टेंस के कारण से क्या होगा, करंट जो है वो रेजिस्टेंस के कारण से हीट उत्पन्न करेगा और एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इसके कारण से हम 5 एम्पियर भेजेंगे तो यहाँ पर हमें लेस मिलेगी, कम मिलेगी। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी में क्या होगा, हमने यहाँ से 5 एम्पियर भेजा हुआ है तो रेजिस्टेंस लगभग जीरो होने के कारण से 5 एम्पियर ही हमको मिल जाता है। इसको बोलते हैं अति चालकता। किस कारण से हुई, तापमान के कारण से ही हो, रेजिस्टेंस शून्य हो गया। और इसी सुपर कंडक्टिविटी के कारण से यहाँ पर जो है वो बुक बोलने से बच रही है कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तापमान कम करने पर प्रतिरोध भी कम हो जाता है, इसलिए बोलने से बच रही है। और उसकी जगह क्या बोल रही है बुक, बुक बोल रही है तापमान में परिवर्तित किया जाता है तो प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाता है। कई जगह पर आपको ये भी लिखा मिलेगा, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ये भी लिखा हुआ मिलेगा, और गलत कुछ हद तक नहीं है। लेकिन ये सुपर कंडक्टिविटी के कारण से बुक बोलने से बच रही है ये चीज आपसे। ठीक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, सिंपल सी बात है। आपको केवल क्या लिखना है, आपको लिखना है तापमान में परिवर्तन होने के कारण से प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाता है, बस इतनी सी बात याद रखना। तो ये चार कारक हैं जिसके कारण से किसी चालक तार का प्रतिरोध प्रभावित होता है। हमने क्या पढ़ा, चालक तार के प्रतिरोध को
प्रभावित करने वाले कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभावित करने वाले कारक, कारक मतलब जिसके कारण से, कारक मतलब बेसिकली कारण, वो चार कारण जिसके कारण से किसी चालक तार का प्रतिरोध प्रभावित हो सकता है, प्रभावित मतलब कम या ज्यादा हो सकता है ना। तो चार कारक कौन कौन से हैं? पहला है चालक तार की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हुए चालक तारों के प्रतिरोध भी अलग अलग होंगे, या अलग अलग शब्द की जगह भिन्न भिन्न शब्द भी यूज कर सकते हो। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, अर्थात एल प्रोपोर्शनल टू आर। चालक तार की चौड़ाई या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, एरिया बढ़ाओगे प्रतिरोध कम हो जाएगा। अलग अलग तापमान पर चालक तार का प्रतिरोध भी अलग अलग होता है, या फिर तापमान में परिवर्तन के कारण से किसी चालक तार का प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाता है। ये चार कारण है ना। अब उसके बाद बात आती है एक और टर्म की। किसी बंदे ने पूछा था कि यदि हम किसी चालक तार का बात पूछा तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चन लगभग लगभग यही था कि यदि मान लीजिए हमने कॉपर का तार लिया तो हम इसमें प्रतिरोध की गणना कैसे करें। आपने तो बोल दिया ठीक है 2 ओम का हो सकता है, 3 ओम का हो सकता है, लेकिन इसी चीज को यदि बात करें कि 1 मीटर में कितना है, 2 मीटर में कितना है, उसको बोला जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ये कहाँ से इजाद हो गई? प्रतिरोध तो ठीक है वो गुण कहलाता है, किसी चालक तार का वो गुण जिसके तहत वो विद्युत धारा को बहने से रोकता है, वो गुण को हम बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोधकता कहाँ से आ गई? प्रतिरोधकता बेसिकली वो क्या नाप रही है, वो प्रतिरोध ही नाप रही है। बस क्या क्या जोड़ दिया उसने, उसने लेंथ जोड़ दी। हमने बोला था कि कॉपर तार का जो है वो, अगर हमने तार का प्रतिरोध लिया हुआ तो वो 2 ओम है, तो ये क्या कर रही है, प्रतिरोधकता क्या बता रही है, 1 मीटर में उपस्थित उस ओम, वो ओम कितना है, 1 मीटर में कितना प्रतिरोध उपस्थित है। प्रतिरोधकता क्या बताएगी हमें, 1 मीटर तार में कितना प्रतिरोध उपस्थित है, किसी भी तार में, कॉपर एल्यूमिनियम सोना चांदी किसी के भी तार में। बस प्रतिरोधकता क्या है, 1 मीटर में उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा। प्रतिरोधक कहाँ से इजाद हुई है, ये इजाद हुई इन कारकों से, देखना इसको ध्यान से। ये लिखा हुआ है एल प्रोपोर्शनल टू आर, ये लिख लिया मैंने एल प्रोपोर्शनल टू आर। उसके बाद लिखा हुआ है ए प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये लिख लिया मैंने ए प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख लिया। अब इस चीज को देखना, अगर मैं इसको यहां लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, मतलब इसका उल्टा भी लिख सकता हूं, आर प्रोपोर्शनल टू एल भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना इस चीज को। वैसे तो मालूम ये भी सही है, और दूसरी तरह से अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं आर प्रोपोर्शनल टू एल, या फिर इसको मैं इधर लिख दूं और ए को इधर लिख दूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, और इसी तरह लिखा भी जाता है, इसी तरह लिखा जाता है। मैंने इसको जो है वो ऊपर उल्टा लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, ये भी सही है। क्या करा मैंने, और जो चालक तार को प्रभावित करने कारक थे उससे लिख लिया, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, मतलब लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और इसका उल्टा भी लिखा आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो ए का मान कम हो जाएगा, या ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो आर का मान कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या किया है वैज्ञानिकों ने, दोनों साइड जो मान लो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, इसके बाएं पक्ष बराबर दिख रहे हैं, इनने बोल दिया कि यार बाएं पक्ष बराबर है, इन दोनों को कंबाइन रूप में कैसे लिख पाएंगे वो बताओ, दोनों को जोड़ के कैसे लिख सकते हैं। इसको जोड़ के ऐसा लिखा जा सकता है, याद रखना, जब दोनों समानुपाती का साइन हो ना और 2 समीकरण हो, तो इसको कॉम्बिनेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को साथ में लिखना है मुझे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, दावे के साथ लिख सकता हूँ। यहां पर भी इसका मतलब वही निकल रहा है, एल लंबाई जो है वो आर के प्रोपोर्शनल है और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा, ए का मान बढ़ाओगे तो आर का मान कम होगा, आर का मान बढ़ाओगे तो ए का मान कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को मैं, इन दोनों को ज्वाइंट रूप से ऐसा लिख सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। क्या बता रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको कि प्रतिरोधकता कहाँ से आई, प्रतिरोधकता कहाँ से आई है ना।
इन दोनों को कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया मैंने। अब बताओ यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वल्स टू के साइन में चेंज होता है तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, हमेशा हमेशा एक नियतांक आएगा फिजिक्स में, हमेशा होगा ऐसा। मैंने क्या करा, समानुपाती का साइन चेंज कर दिया इक्वल्स टू के साइन में, जैसे ही चेंज किया यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा और उसका नाम बड़ा अच्छा है, उसका नाम है रो। और कैसे बनाते हैं, नीचे से ऐसा तिरछा करके ले जाना है, पी जैसा बनाना है लेकिन पी नहीं बनाना है ना। पी कैसा बनता है, ऊपर से शुरू करते हैं ऐसा बनता है, पी नहीं बनाना है आपको, पी की डंडी टेढ़ी कर देना है और ऐसा करके ऐसा बनाना, ई भी नहीं दिखना चाहिए, दिखना पी जैसा ही चाहिए, बस नीचे से उसकी डंडी टेढ़ी, इसको क्या बोलते हैं। और ये कहाँ गया अभी, ये तो बाकी है ना, रो एल बाय ए, ये वहीं का वहीं है, ये कहीं नहीं गया। बस क्या करा मैंने, इसका साइन चेंज किया तो एक कांस्टेंट जुड़ गया, नियतांक जुड़ गया है ना। ये एक नया फॉर्मूला बन के आ गया आपके सामने, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रो, इस कांस्टेंट को क्या पढ़ते हैं रो। याद है ओम का नियम पढ़ा था, तो आर एक कांस्टेंट मिला था उसको प्रतिरोध बोलते थे, यहां पर एक और कांस्टेंट मिला है हमको जिसको हम रो पढ़ते हैं है ना। और इस रो को क्या बोलते हैं, इस रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ठीक, इस रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। अब देखना यदि मैं प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकालू, रो को प्रतिरोधकता बोलते हैं ना, देखना आप ध्यान से देखते जाना, बहुत अच्छी चीज मिलेगी आपको। रो का मैं बता रहा हूँ यूनिट कैसे निकालते हैं वो निकालना बता। यदि मैं रो का फॉर्मूला पूछूं आपसे तो रो को यहीं रहने दूं, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, आर को नीचे लिख दूं बटे में है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आर डॉट ए मतलब आर इंटू ए इक्वल्स टू रो एल। मुझे काय का फॉर्मूला चाहिए, रो का फॉर्मूला चाहिए, रो यहीं रहने देता हूँ, एल को नीचे लिख देता हूँ है ना। तो मैंने क्या करा, आर इंटू ए तो था ही, बटे में एल लिख दिया, मुझे काय का फॉर्मूला काय का फॉर्मूला मिल गया, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला मिल गया, रो का फॉर्मूला मिल गया जिसको हम क्या बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसको उल्ट इधर उधर लिख सकता हूँ, तो रो बराबर से क्या हो जाएगा, आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। अब इसकी मैं क्या यूनिट निकालना चाहूँ, यूनिट निकालना चाहूँ तो मुझे इन सब की यूनिट पता होना चाहिए। चलो रेजिस्टेंस की यूनिट बताओ, रेजिस्टेंस की इकाई बताओ क्या होती है, प्रतिरोध की इकाई बताओ क्या होती ओम ओम है। ओम, बिल्कुल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की इकाई, अगर मैं मीटर में पूछूं, मीटर में क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी, क्षेत्रफल काय में नापते हैं, स्क्वायर केवल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर बटे में। लेंथ काय में नापते हैं, लंबाई किस में नापते हैं, मीटर, बिल्कुल सही मीटर में। तो मैंने इन सब की क्या लिख ली, इकाई लिख ली, ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर ठीक। अगर मैं इस मीटर, ये मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है दो बार मीटर लिखा हुआ, मीटर स्क्वायर मतलब दो बार मीटर लिखा हुआ है, एक एम से एक एम मतलब एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, बिल्कुल 100% कट जाएगा। और रो की इकाई जो बनकर आएगी वो क्या आएगी, वो बनकर आएगी ओम मीटर, बटे वाला एम कट गया है, तो प्रतिरोधकता का इकाई होती है ओम मीटर, ओम मीटर। अगर आपको ये निकालना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर ठीक। वैसे बहुत सरल है, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से और प्रतिरोधकता की इकाई पूछी जाती है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पर, जो हमको यहाँ पर कारकों में दिया हुआ था, आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू 1/n, इनको कॉम्बिनेशन के रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रो का सिंबल आ जाएगा, रो एक नियतांक है, बराबर का साइन आ जाएगा। और रो का फॉर्मूला अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, रो को यहीं लिखकर रहने देंगे, मतलब रो को क्या कर लिया, रो को एक साइड कर लिया, ए का मल्टीप्लाई आर से कर दिया तो आर इंटू ए हो जाएगा और बटे में क्या जाएगा, एल आ जाएगा।
इनकी इकाई रख देंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और इसकी इकाई क्या निकल के आएगी, किसकी, रो की इकाई निकल के आएगी, ओम मीटर, ओम मीटर इसकी इकाई होती है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। और ये रो है क्या, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता, इसकी इकाई क्या होती है, ओम मीटर। मतलब क्या हो जाएगा, इसकी इकाई से हम बता सकते हैं इसकी परिभाषा, किसी तार के एक मीटर में उपस्थित, एक मीटर में उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा को, प्रतिरोध की मात्रा को क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। एक मीटर में उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा को हम बोलेंगे प्रतिरोधकता, और यही प्रतिरोधकता जो है वो हमको टेबल में दी हुई है। यहां पर देखो ये लिखा हुआ 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ चालक तार की प्रतिरोधकता दी हुई, प्रतिरोधकता है ना, हम प्रतिरोध फिक्स नहीं कर सकते, प्रतिरोध चेंज हो सकता है, प्रतिरोधकता सेम रहेगी। जैसे मान लो सिल्वर, सिल्वर की प्रतिरोधकता कितनी दी हुई, 1.6 × 10⁻¹ ओम मीटर, सबकी इकाई ओम मीटर ही रहेगी। देखो इकाई कितनी लिखी, ओम मीटर, मैंने बताया कैसी आती है ओम मीटर, सबकी इकाई कितनी, ओम मीटर है ना। तो यहाँ पर एक मीटर अगर मैं चांदी का तार लूंगा, एक मीटर चांदी का तार लूंगा, उसमें कितने ओम उपस्थित रहेंगे, इतना प्रतिरोध उपस्थित रहेगा, कितना प्रतिरोध, इतना 1.6 × 10⁻¹ ओम प्रतिरोध उसमें उपस्थित रहेगा। ऐसे ही अगर मैं एक मीटर का कॉपर का तार लूंगा तो मुझे इतना प्रतिरोध मिलेगा, एक मीटर का एल्यूमिनियम का तार लूंगा तो मुझे इतना प्रतिरोध मिलेगा। इस हिसाब से जो है प्रतिरोधकता नाप सकते हैं हम, और ये टेबल दी हुई है। क्या आपको याद रखना है टेबल, बिल्कुल नहीं, इसमें क्या अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो ये प्रतिरोधकता आपको दी जाएगी। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कल बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। और थोड़े से ये 10⁻⁸ है ना, इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेंदी हो जाता है न्यूमेरिकल, और इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आप। अगर हाँ फिर भी आप याद करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से एडवांस बनना चाहते हो, तो आप सिल्वर का याद रख लो और कॉपर का याद रख लो, दो याद रख लो बस, है ना। उसके बाद देखो मिश्र धातुएं दी हुई है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीज और निक्रोम, निक्रोम मतलब नाइक्रोम, नाइक्रोम के तार का यूज जो है वो किया जाता है हीटर के तार बनाने में, है ना, इसका यूज किया जाता है। इनकी देखो प्रतिरोधकता कितनी दी हुई है, यहाँ पर देखना बेचारे कितने शरीफ हैं ये लोग, जो चालक हैं उनकी प्रतिरोधकता कितनी कम है, 1.6, चालकों में इसकी ज्यादा है बस 94, किसकी, मरकरी की, केवल मरकरी की ज्यादा है, बाकी सबकी 12.9, 10, 6.0, सबकी कम कम है। और ये देखो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता 49×10⁶, 44×10⁶, ये और महान है नाइक्रोम 100×10⁶, प्रतिरोधकता कितनी ज्यादा है, इनका प्रतिरोध कितना ज्यादा है ना। और जो विद्युत रोधी है उनका तो फिर पूछो ही मत, 29, 10, यहाँ पर 10⁻⁶ है, यहाँ पर 10⁻¹⁴ से लेकर 10⁻¹⁴ कितनी ज्यादा प्रतिरोधकता है, और इसी कारण से इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। कांच कठोर क्या है, कुछ गलत लिख दिया क्या, कठोर मतलब क्या, कठोर कुछ तो होगा, कठोर कांच होना चाहिए, फिर ठीक है कुछ भी लिखा हुआ, कास्ट होना चाहिए, लकड़ी हो सकती है ना। कांच की प्रतिरोधकता 10⁻¹⁴ से 10⁻¹⁴ मतलब देख रहे हो कितनी ज्यादा प्रतिरोधकता है। इसी कारण से तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते मतलब आवेश फ्लो नहीं हो पाते, आवेश फ्लो नहीं हो पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, इसलिए कांच में करंट नहीं लग पाएगा, लकड़ी में करंट नहीं लग पाएगा, एबोनाइट में करंट नहीं लग पाएगा, डायमंड जो है विद्युत रोधी होता है, डायमंड में करंट नहीं लगेगा, कागज में जो है वो करंट नहीं लगेगा, 10⁻¹² प्रतिरोधकता होती है ना, 10⁻¹² ओम मीटर प्रतिरोधकता, एक मीटर में 10⁻¹² ओम प्रतिरोध है, कितना ज्यादा प्रतिरोध है, इसके कारण से तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, इसलिए ये सारे पदार्थ जो है वो कूचालक कहलाते हैं। मिश्र धातुएं में जो है वो इनसे ज्यादा होती है और इनसे कम होती है प्रतिरोध, मिश्र धातुओं में चालकों से ज्यादा होता है और कूचालकों से कम होता है, इसलिए इनका यूज बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, इसलिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में इसका यूज किया जाता है। निक्रोम का याद रखना, मैं इसका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी चीज क्यों बोल रहा हूँ कि इसका मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ठेके रखा जाता है, इसका जानबूझ कर रखा जाता है, क्यों हम पढ़ेंगे जब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज, है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा कि चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला प्रकृति, अलग अलग पदार्थों से बने हुए चालक तारों का प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। दूसरा लंबाई, अगर हम चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगी। तीसरा चौड़ाई, यदि चौड़ाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर चौड़ाई घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा।
है ना, मतलब पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा मोटे तार की तुलना में। और चौथा पढ़ा तापमान पर, अलग अलग तापमान पर चालक तार का प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। ये चार चीज पढ़ी, इनसे जो है एक डेरिवेटिव निकल के आया कि जो प्रतिरोध होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई की प्रोपोर्शनल होता है और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज करेंगे इक्वल्स टू के साइन में, तो आर इक्वल्स हो जाएगा रो एल बाय ए। रो क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर, है ना। तो यहाँ प्रतिरोधकता देखी और हमने कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता भी देखी कि चालक की प्रतिरोधकता थोड़ी कम होती है, मिश्र धातुओं की उससे ज्यादा होती है और कुछ अलगों की प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो। कल इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।